हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी फेस 7 एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग आरआरबी एनटीपीसी 2021 का 7 फेस का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करना तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे सिंपली आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना एंटर कर देना होगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आप लोगों को सिंपली गाइस आपका जो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पे अपना एंटर कर देना है, डेट मंथ एंड आपको सिंपली यहाँ पे ईयर एंटर कर देना होगा। और उसके बाद गाइस सिंपली इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना, आप लोग अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद आसानी से आराम से आप लोग जो है वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस हो या कोई भी इशू हो तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।